वेलकम टू गोल्डन कैरियर। मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 15th क्लास। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि goldencareer.co.in पे आप विजिट करेंगे तो आपको मिलेगा फ्री मॉक टेस्ट, डेली न्यूज़पेपर और वेरियस एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल। फॉलो करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिस सायोनी को। चलिए शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो देखिए, पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप होती है जैसे कि दो या तीन लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग अगर किसी फर्म में, किसी मनी से रिलेटेड, किसी मनी मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं मिलके, यानी एक या एक से ज़्यादा, यानी कि दो या दो से ज़्यादा, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप किस तरह की होती है? हो सकता है ए जो है वो कुछ अमाउंट पार्टनरशिप में देता हो, बी जो है वो कुछ अमाउंट पार्टनरशिप में देता हो, सी जो है वो अलग अमाउंट देता हो। फिर कई बार हो सकता है कि ए जो है वो सेम ही अमाउंट देता हो बी के, लेकिन ये देता है एक साल के लिए और ये देता है छः महीने के लिए। फिर सी आ जाता है, सी देता है सिर्फ दो महीने के लिए। तो इस तरीके से पार्टनरशिप के वेरियस कंसेप्ट बनते हैं, वेरियस क्वेश्चंस बनते हैं। तो बात करें, आप देख लेते हैं कि इजी से इजी क्वेश्चन किस तरह का आता है, मतलब कंसेप्ट आप सीख लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस। तो बात करें अगर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आता है, मान लीजिए ए है, उसने इन्वेस्ट किया 1000, ठीक है, बी ने इन्वेस्ट किया 500, लेकिन जो ए है उसने इन्वेस्ट किया 3 महीने के लिए और जो बी है उसने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए। अब पूछा जाएगा कि जो ए है और बी है, इनके जो प्रॉफिट की रेशियो होगी वो क्या होगी? तो प्रॉफिट कैसे आएगा? आप देखिए, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 1000 × 3 = 500 × 12। अब ये 12 क्यों आया? एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ठीक है 12 आ गया। अब इसको आप काट सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट की आपको रेशियो पूछी है, तो आप काट सकते हैं इसको। तो 3 से कट जाएगा 12, 3 × 12, 500 से 1000 कट जाएगा 2 से, 2 से 4 कट जाएगा 2 से, तो इसकी रेशियो आएगी 1:2:2। अब हो सकता है आपको आगे एक वैल्यू दे दी गई हो कि टोटल प्रॉफिट अर्नड इज इक्वल टू 3000। तो 3000 को आपको बताया है कि टोटल प्रॉफिट है, फाइंड आउट करिए कि ए का और बी का इंडिविजुअल प्रॉफिट कितना होगा। तो अब ए का प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? टोटल प्रॉफिट 3000 है, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है? 3x, तो यहाँ पे आपको 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1000, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1000, तो ए की वैल्यू भी 1 यूनिट है, तो यहाँ पे आएगा 1000 और यहाँ 2 है तो यहाँ आएगा 2000। तो ये सिंपल अप्रोच है कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। बाकी आप सीधे क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं कि क्या किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस एज दैट ऑफ बी, यानी कि जो ए है उसने, मान लीजिए बी ने एक्स इन्वेस्ट किया, तो ए ने कितना किया? 2x, इसके ट्वाइस। और जो ए है उसने थ्राइस किया सी के, यानी कि अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि ए को दो बार दे रखा है, एक की रिलेटिव में बी दिया है, एक ही रिलेटिव में सी दिया है, तो आपको ए को एक्स मानना चाहिए। तो ए को मान लीजिए एक्स, तो ए ने किया है ट्वाइस ऑफ बी के, तो बी कितना करेगा? एक्स बाई टू। और सी कितना करेगा? थ्राइस है ए, तो सी कितना, जैसे मान लीजिए ए ने इन्वेस्ट किया है 3 times सी, तो सी ने कितना इन्वेस्ट किया? ए बाई थ्री। अब ए की वैल्यू कितनी है? एक्स, तो यहाँ आएगा एक्स बाई थ्री। तो ये है अलग अलग ए, बी और सी की इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन ना आए, तो यहाँ पे इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो ए की जगह आ जाएगा 6x, यहाँ आ जाएगा 2 है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ 3 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x। तो ये आ जाएगी इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो। अब बोला गया है हु विल अर्न द हाइएस्ट प्रॉफिट, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हाँ, ये चीज़ मिस कर दी, बी इन्वेस्टेड फॉर
twice the months than C. A. अब months का भी देख लेते हैं. B invested for twice the months as A. B का मान लेते हैं Y है. इसने invest किया है 2 times A के. ठीक है. तो A ने कितना मान लीजिए A ने X किया है या Y किया है मान लीजिए. ठीक है. तो A ने किया है Y तो B ने कितना किया है twice as A यानी कि 2Y और C ने कितना किया है 1 by 3 of B यानी कि B ने किया है अगर thrice of C तो C ने किया है 1 by 3 of B. अब B ने कितना किया है 2Y तो यहाँ 2Y पुट करिए तो C कितना करेगा 2 by 3Y. अब इसको आपने कुछ नहीं करना मंथ्स इंडिविजुअल मंथ्स को इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 by 3y से. अगर आप इसको 2 by 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 by 3xy इसको करेंगे तो आ जाएगा 6xy इसको करेंगे तो आ जाएगा 6xy. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये. अब इसमें क्या हो गया इसमें आपकी बन गई दो हाइएस्ट वैल्यूज तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा कि हाइएस्ट वैल्यू ए की बी की सी की. अब ऑप्शन फोर्थ कोई देखेगा नहीं मान लीजिए आपने ए का देख लिया हाइएस्ट है तो ऑप्शन फोर कई बार मिस कर देते हैं लोग तो यहाँ पे दिया होगा बोथ वन एंड थ्री वन एंड टू और फिफ्थ दिया होगा कुछ नन ऑफ दीज. ठीक है तो इसका आंसर होगा बोथ वन एंड टू यानी कि ये दोनों जो है वो हाइएस्ट प्रॉफिट अर्न करेंगे. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस वेयर देयर इनिशियल कैपिटल वॉज इन द रेशियो 4:5:6 ये है इनकी इनिशियल कैपिटल यानी कि कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है. अब बात करें अगर ये है इनकी इन्वेस्टमेंट अब बात करें कि कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है तो बोला गया है कि एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स A invested an amount such that his total capital becomes half to C's initial income. यानी कि C की initial capital investment जो है यानी कि 6 है उसका half इसने 8 महीने के बाद invest कर दिया. तो यहाँ पे इसको 8 महीने तो इसने किया ही. अब B और C के बारे में कुछ नहीं बताया है कि ये कितने महीने में इन्होंने कितना invest किया है. जब आपको कुछ ना बताया जाए तो आपने करना है 12 महीने के लिए. इसको करेंगे 12 से इसको करेंगे 12 से. अब इसको 8 से किया लेकिन अब आगे इसने बताया कि टोटल कैपिटल जो बन जाती है उसकी वो बन जाती है हाफ ऑफ सीज इनिशियल कैपिटल यानी कि 6 का हाफ 3 तो 3 को कितने महीने करेंगे 8 तो कर चुका है टोटल करने हैं 12 प्लस 4 तो ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी. तो ऐड होके कितना आएगा यहाँ मल्टीप्लाई करिए 4 into 8 प्लस 3 into 4 ये आएगी ए की बी की आएगी 5 into 12 सी की आएगी 6 into 12. तो अब यहाँ पे वैल्यूज निकालिए सबसे पहले सी से शुरू करते हैं 6 12 72 12 पंजे 60 और ये आ गया 12 प्लस 32 तो 12 प्लस 32 होता है 44 तो ये आ गए इनकी रेशो. अब क्या करें अब इनको रेशो को काट लो तो ये 4 के टेबल में आता है ये 4 के टेबल में आता है और ये 4 के टेबल में आता है तो 4 से काटिए 11 15 1 और 8 18. तो अब दिया क्या हुआ है दिया है एनुअल प्रॉफिट ऑफ बी इज 7500 यानी 7500 है बी का एनुअल प्रॉफिट. तो ये सारों का एनुअल प्रॉफिट की तो रेशियो है ये एनुअल प्रॉफिट की ही रेशियो होती है तो 15 की वैल्यू है 7500 एक की वैल्यू कितनी आएगी 15 × 5 = 75 तो एक की वैल्यू आ गई 500. पूछा क्या गया है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट. अब टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा इसको ऐड करो इसको ऐड करो इसको ऐड करो और 500 से मल्टीप्लाई तो 11 प्लस 15 26 प्लस 18 44. तो ये आपको कैलकुलेशन भी बिना लिखे दिमाग में करनी होती है एग्जाम्स में काफ़ी कम टाइम होता है तो आपको जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो ये आ गया 44 तो 44 को किससे मल्टीप्लाई करना है 500 से. अब 500 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है 1000/2 1000/2 मतलब 22 और 3 0 तो ये आ गई जो आपकी टोटल प्रॉफिट है. अब मान लीजिए पूछा जाता कि ए की प्रॉफिट बताइए
तो ए की प्रॉफिट कैसे निकलती, 11 को करना था 500 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाता 5500। वैसे ही अगर इसकी पूछते सी की, तो 18 को करना था 500 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाती आपकी 3600। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी स्टार्ट अ बिजनेस विद 10,000। पी ने स्टार्ट किया बिजनेस 10,000 के साथ, क्यू ने ज्वाइन किया उसको 2 महीने के बाद, यानी कि 2 महीने इसने अकेले काम किया, ठीक है, विद 20 मोर इन्वेस्टमेंट, यानी कि 20% मोर। 20% मोर मतलब 20% का मतलब 1/5, मोर है तो प्लस होगा, यानी कि 6/5। तो अगर 5 थी ए की पी की इन्वेस्टमेंट, तो क्यू की कितनी होगी 6, पर 5 की वैल्यू है 10,000, यानी कि 2 गुना, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 2 गुना, यानी कि 12,000। अब आगे पढ़ते हैं, आफ्टर 2 मंथ्स आर ज्वाइंस हिम विद 40% लेस देन क्यू। अच्छा, अब 2 महीने के बाद, अब इसके बाद और 2 महीने, तो इसने तो 4 महीने ले लिए और इसने 2 महीने लिए, तो अब आर की बात करें तो आर ने ज्वाइन किया 40% लेस देन क्यू। 40% का मतलब 2/5, अब लेस है क्यू से तो कितना होगा 3/5। अगर 5 की वैल्यू 12,000 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, इसको काटिए, 5 से कटेगा, 5 × 10 फिर 4 फिर 0 0, 2400, फिर 3 की कितनी होगी, ये है 1 यूनिट की वैल्यू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 7200, तो ये आ जाएगी सी की वैल्यू, तो आर की वैल्यू, तो आर ने किया है 7200 इन्वेस्ट। तो अब दिया गया है इफ़ द प्रॉफिट अर्न बाय देम एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसने 4 महीने बाद किया तो बचे कितने 8, इसने कितने मंथ्स के लिए किया 10, इसने कितने मंथ्स के लिए किया 12। अब देखिए इसमें दिया क्या है, तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट अर्न बाय देम एट द एंड ऑफ द ईयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट ऑफ पी, यानी कि पी की इन्वेस्टमेंट ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन पी की इन्वेस्टमेंट एंड 10 times द इन्वेस्टमेंट ऑफ आर, यानी कि 7200 × 10 × 10। अच्छा, यहाँ पे 2 times पूरे के साथ नहीं है, सिर्फ पी के साथ है, तो यहाँ पे 2 × पी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 10,000, ठीक है। और अच्छा हाँ, यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आपको ये देखना है कि अपने आप देखना है कि जैसे 7200 ज़्यादा बड़ा है, 7200 हो जाएगा, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और पी जो है वो छोटा रह जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी है 10,000, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 62,000 × 2, यानी कि 4 6 12, तो यानी कि 1,24,000, ये है जो टोटल प्रॉफिट अर्न किया है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अब बोला गया फाइंड द प्रॉफिट ऑफ क्यू, अब क्यू का प्रॉफिट निकालना है आपको, तो क्या करना है, अब देखिए मैं ये सब मिटाने वाला हूँ। अब देखिए वैल्यूज क्या थी यहाँ पे, सबसे पहले था 10,000, क्यू था 12,000 और आर था 7200, ठीक है। और यहाँ दिया गया था कि जो एनुअल प्रॉफिट है, अब यहाँ पे मंथ्स भी दिए गए थे, इसको 12 से किया था, इसको किया था 10 से और इसको किया था 8 से। अब दिया गया था कि जो एनुअल प्रॉफिट है, एनुअल प्रॉफिट है वो डिफरेंस ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ पी एंड 10 times द डिफरेंस ऑफ आर। अब यहाँ पे अगर दिया होता ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पी एंड 10 times द, ठीक है, तो यहाँ पे 10 गुना आर का माइनस पी का 2 गुना, तो 10 गुना आर का कितना हुआ 72,000 माइनस पी, पी की कितनी थी 10,000, अब इसका करना है 2 गुना, तो ये कितना आएगा 62,000 × 2, यानी कि 1,24,000, ठीक है, ये हमने निकाल लिया था। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 1,24,000 जो है वो एनुअल प्रॉफिट है। अब बोला गया है कि फाइंड द प्रॉफिट ऑफ क्यू, अब इसमें प्रॉफिट की रेशियो निकाल लीजिए। प्रॉफिट की रेशियो कैसे निकालेंगे, काटना है सम को, तो यहाँ से सबसे पहले शुरू करें 12 को काटें, 12 12, ये 12 6 72, अब किससे कटेगा, अब काटें 2 से या 4 से काट लो, 4 से कट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4 × 8 और फिर 2500, यहाँ 4 से जाएगा 1000,
तो 4 से जाएगा तो अब बचेगा 2, ये भी बचेगा 2500, और यहाँ बचेगा 6 × 2 यानी 600 × 2 1200, तो यानी 2500 1200, 20 से 20 गई तो 25 25, 50 प्लस 12 62, यानी 62 यूनिट्स की वैल्यू है 124000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसको 2 टाइम्स कटेगा ये, यानी 2000। अब बोला गया है कि फाइंड द प्रॉफिट ऑफ क्यू, क्यू का प्रॉफिट कितना था, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ पे 1 यूनिट की 2000 है, तो क्यू की कितनी आएगी 25 × 2000, तो 25 × 2 = 50 और 30, तो यानी क्यू का प्रॉफिट आ गया 50,000। इसी तरह से आपको अगर इसका और इसका अलग अलग करके प्रॉफिट निकालना होता तो आप वो भी निकाल सकते थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और कोई सजेशंस हैं तो कमेंट करिए। थैंक यू।